देखिए जी, एक मशीन है ऑरेंज जूस की। प्रणाम, राम राम, खूब जा, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका अपना फ्लाइंग मनी आपके साथ जुड़ चुका हूँ आपके अपने चैनल फ्लाइंग मनी में, और मैं भी जा रहा हूँ संघाई फैमिली के पास। तो देखते हैं कि भाई ट्रेन स्टेशन या हमको ऑन द वे में किस तरीके के इनके एहतियात बरते गए हैं, या किस तरीके सुरक्षा से मुझे गुजरना पड़ेगा, या किस तरीके माहौल है चाइनीज न्यू ईयर का, कैसे चाइनीज न्यू ईयर पे असर डाला है कि नहीं, बाकी रास्ते में चलते हुए बताता हूँ आपको। तो चलते हैं ज्यादा ना बोलते हुए, लेट्स गो। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean. चलो जी चलते हैं अंदर। भीड़ बहुत कम है आज चाइनीज न्यू ईयर में, वैसे टाइम है अभी, और कुछ लोग वैसे जल्दी निकल चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना बहुत भीड़ थी, और बीच में कुछ सिटीज़ में ज़्यादा नहीं, बहुत कम वैसे कुछ केसेज आए, तो यहाँ कम एक भी आता है ना, तो कई जगह एक आने पे भी बहुत पूरा वो लॉकडाउन कर देते हैं वो वाला एरिया। देखते हैं अंदर का क्या माहौल है, अंदर कितनी भीड़ है। यहाँ से मेरे को अंदर जाना है, यहाँ पे आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा और QR कोड होता है, अगर ग्रीन हो रखा है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी, ग्रीन होगा तो आपको अंदर एंटर होने दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी चेकिंग। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. बाकी यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं है मेरे को, जूस वगैरह मैं जूस लेके आया हुआ हूँ। ट्रेन स्टेशन जो है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगी मिलती है। जो चीज़ बाहर आपको 2 RMB की मिलती है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी 5 RMB की। जो 20 रुपये की चीज़ है, यहाँ पे 50 रुपये की मिलती है। तो मैं बाहर से ही लेके आया हूँ सेम चीज़, यहाँ क्या पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा पैसे लगा के क्यों, जब आज पूरा मैं तैयारी करके आया था, टाइम था अपने पास, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी, तो आ गया मैं पूरा अपना जूस वगैरह लेके, खाना पीना खा के हम आ चुके हैं अपना, फिर संघाई पहुंच के शाम का डिनर किया जाएगा। तो भैया जब दिवाली होती है, होली होती है, लोगों का घर जाने का एक्साइटमेंट होता है, अपनी फैमिली से मिलने का, वही एक्साइटमेंट हम लोगों के चेहरे पे देखना चाहेंगे, और हर किसी रास्ते में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्राणी है ना, लोग बाग हैं जो फैमिली के साथ जा रहे हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन है, कौन कितनी जल्दी पे, कौन मैंने अलग अलग भाव भंगिमाएँ आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, सफ़र का आनंद लीजिए मेरे साथ। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. ये देखिए जी, जो एरिया है स्पेशल एरिया है आपका प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हैंडीकैप्ड हैं जो, या जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो स्पेशली चेयरें वो वाला एरिया स्पेशल उनके लिए वहाँ पे, और यहाँ पे सामान्य लोग बैठेंगे दूसरी साइड में। अभी चाइनीज न्यू ईयर पे जो लाल लाल आप चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे बड़ी अच्छी सजावट इनकी की हुई है हर जगह यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, जो मैं एरिया की बात कर रहा था, PLA वेटिंग एरिया, पैसेंजर हु नीड्स केयर, है ना, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, वो यहाँ पे स्पेशल एरिया में, VIP एरिया में
वो लोग बैठ सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फी। तो जी हमारी सीट तो ये है, नॉर्मल वाली सीट, और टोपी निकाल दी है, बहुत गर्मी हो रही है, अभी गर्मी हो रही थी तो मैंने टोपी निकाल दी, कैप निकाल दी है। बाकी कल मैंने कटिंग करवाई है, बाल छोटे करवा दिए हैं, बताना बाल कैसे लग रही, कटिंग कैसे लग रही, ठीक लग रही कि बेकार लग रही? वैसे मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है बाल कटवा के, कई बार बाल बहुत बड़े होते हैं ना, बड़ा भारी भारी होता है, स्पेशली बाल धोने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे में बाल धोए अपना आप सूख भी जाते हैं जल्दी, और बिल्कुल तुरंत स्नान ध्यान माइंड भी बड़ा फ्रेश रहता है। तो बस यही है कहानी, बस टोपी अभी आराम कर रही है यहाँ पे। हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, चलते हैं अपने गेट पे। मेरे वाले गेट पे भीड़ भाड़ ज़्यादा लग रही है बजाय और से। ये देखिए इनके लिए स्पेशल सर्विस है, VIP सर्विस, ये भैया की सर्विस है इनके लिए स्पेशल, जिन्होंने कुछ और पैसे पे करके। तो चाइना में ऐसा है, जो ये प्लेटफॉर्म है इसके आसपास कोई दुकान ही नहीं है, अगर आपको कुछ लेना है बाहर से लेके आइए, या अंदर जो दुकानें हैं वो जो एंट्री गेट है वहाँ से बिल्कुल एंट्री गेट के नज़दीक में दुकानें हैं, कुछ आपको पीने का पेय पदार्थ खाने के सामान लेना है जो भी है वो दुकानें बाहर ही हैं। फिर जैसे आपने अंदर एंटर किया, जो पटरियाँ हैं प्लेटफॉर्म है इसके आसपास कोई दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है यहाँ साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी 24 घंटे वो तो तैनात रहते हैं, वो फिर वो अलग है, वो तो हर जगह होगा, लेकिन मेन जो रीज़न है वो यही है कि प्लेटफॉर्म के आसपास कोई दुकानें नहीं, वो एंट्री गेट में ही है सारी दुकानें। जी तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं सारे अपने चाइनीज़ फ्रेंड को, अपने वियतनामी फ्रेंड्स को, या ये इंडोनेशियन फ्रेंड्स को, जहाँ जहाँ पे ये स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है अभी कुछ एक कंट्री में, सिंगापुर में भी मनाया जाता है, सिंगापुरियन फ्रेंड्स को सबको स्प्रिंग फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश अ वेरी हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल टू ऑल ऑफ यू। और जो जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं इन देशों में काम करने वाले, और विदेशी फ्रेंड्स हैं, ये हॉलीडे सीज़न है, अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लीजिए, हंसिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, और अपने अच्छे से ख्याल भी रखिए। और चाइनीज़ फास्ट ट्रेन पे मेरा एक स्पेशल व्लॉग बना रखा है, चाइनीज़ ट्रेन में किस किस तरह की सुविधाएँ होती है, ट्रेन की कितनी स्पीड होती है, 300-400, और उस पर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है चाइनीज़ ट्रेन में उसकी स्टेबिलिटी का, वो एक्सपेरिमेंट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। तो वो व्लॉग जो था उसका मैं लिंक आपको पिन कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, आप उस पर क्लिक करके वो व्लॉग भी आप देख सकते हो, उसका एंजॉय कर सकते हो। चाइनीज़ सुपर फास्ट ट्रेन पे है वो व्लॉग, तो उसको ज़रूर देखिएगा इसके बाद, और ये व्लॉग अभी पूरा देखिए, इंजॉय कीजिए। रास्ते में पड़ने वाले इस तरह के दृश्य मन को बिल्कुल सम्मोहित कर लेते हैं, मन इन्हीं पर टिक जाता है, तो ऐसे अच्छे अच्छे दृश्य आपको ट्रेन से देखने को मिलेंगे। और इन सारी ट्रेनों में सुविधा होती है, अगर आपको कुछ ड्रिंक्स लेने हैं या कुछ स्नैक्स लेने हैं, जैसे लेडी यहाँ पे आ रखी है, तो इससे आपका वीचैट पेटीएम जैसे होता है उसके थ्रू या कैश के थ्रू आप ले सकते हो।
वो जी, तो मैं पहुंच चुका हूं संघाई में। जब मैं दूसरे अपने स्टेशन में बैठा था वहां पे बहुत कम भीड़ थी, फिर दूसरे स्टेशन से बहुत फुल भीड़ हो चुकी थी, कुछ लोग तो खड़े खड़े आए। और यहाँ पे ट्रेन से उतरने के बाद दोबारा बाहर स्टेशन से बाहर यहाँ पे दोबारा चेकिंग हो रही है, आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, वही हेल्थ कोड जिसको QR कोड बोलते हैं, अगर वो ग्रीन है तो इससे आगे आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको वो रोकेंगे। फिर यहाँ से मेरे को लेनी पड़ेगी मेट्रो। मेट्रो सबसे कन्वीनियंट और आसान रास्ता है यहाँ से मेरे को अपने ससुराल तक पहुँचने का, सबसे कन्वीनियंट। टैक्सी भी यहाँ से ली जा सकती है, लेकिन मेट्रो जल्दी भी पहुँचाएगी, सस्ता भी है, टैक्सी महंगा भी है, और मेट्रो से थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको, थोड़ा बहुत टाइम। तो चलते हैं, अभी मेट्रो पकड़ता हूँ मैं। फिर अंदर आके भीड़ भाड़ छट चुकी है, कुछ लोग शायद टैक्सी लेने चले गए, कुछ बस में जाएंगे, कुछ मेट्रो स्टेशन, तो भीड़ भाड़ छट चुकी है। और हाँ, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, ट्रेन अपनी जो मेट्रो है वो टाइम से आएगी, एक सेकेंड भी लेट नहीं होगी, कभी जल्दी भी आ जाएगी लेकिन या टाइम पे आएगी बिल्कुल, लेकिन लेट नहीं होगी। तो स्क्रीन में देखते हैं ट्रेन अपने टाइम से पहुंचती है कि नहीं, मेट्रो सॉरी टाइम से पहुंचती है कि नहीं। तो दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, जिनने मेरा पिछला बहुत पहले ये वाला ब्लॉग देखा था आपका मेट्रो वाला। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, टाइमिंग दिखाता हूँ मैं आपको, स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टाइम है 2:37, अब तो 34 सेकेंड हो गए, ट्रेन आने में 2:32 सेकेंड है अभी। 1:04 में इसका टाइम था, लेकिन इस समय से पहले ही आ गए भैया। देखिए 1 मिनट पहले ही यहाँ पे अराइव हो चुकी है ट्रेन, और 55:54 चल रहा है, ठीक है। ये देखो आ चुकी है, अंदर चलो। मेट्रो में चढ़ के 2 स्टेशन बाद मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे को वहाँ पे उतरना है। तो देखिए एक स्टेशन तो आ चुका है, अभी एक और स्टेशन, तो इसलिए खड़े खड़े भी हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन उतरना है। 5 मिनट भी नहीं लगे इसमें, 5 मिनट से भी कम, बल्कि 2-3 मिनट में ही पहुँच जाएंगे अभी हम। चले जी, मैं तो पहुंच चुका हूं संघाई में, मेट्रो से उतर के अब घर की ओर रवानगी होगी। ससुर जी मेरा वेट कर रहे हैं, वो यहां पे लेने के लिए आ रखे हैं। तो बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगी, किसका एक्सप्रेशन अच्छा लगा। अभी आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, अलीसा की वापसी होगी व्लॉग में। तो चलिए बनते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। Extra dose. ये मैं एक्चुअली उतर चुका हूँ मेट्रो से, अभी मेट्रो स्टेशन जो मेरा डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे देखिए ये जूस की मशीन है। ये लोग अभी एक दिन में कई बार यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज लेके आते हैं, और ये जो संतरे हैं यहाँ पे, जो ऑरेंजेस हैं इसके अंदर रखे जाएंगे। ये देखिए फ्रेश ऑरेंजेस कप यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें आपने केवल कॉइन इंसर्ट करने हैं, और जूस बन के जैसे कॉइन आप इंसर्ट करोगे, बंदा मेरे को बता रहा है, वैसे ही जूस बन के अपना आप वो जो ग्लासेस हैं, आपको बड़ा ग्लास लेना है, छोटा ग्लास है, सब ग्लासेस हैं उसमें जूस छन के, जूस बन के आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सुविधा, और इसमें आदमी को कोई शक और संदेह नहीं होने चाहिए, बहुत ही फ्रेश जूस मिलता है हर दिन। मैंने पूछा हर दिन ये बदले जाते हैं, उसने कहा हर दिन में कई बार यहाँ पे संतरे बदले भी जाते हैं, और जब क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पर रख दी जाती है। तो इस तरीके के मेट्रो स्टेशन हो गया, या बाहर में आपको कई ऐसे जूस मशीन सेल्फ सर्विस आपको इस तरीके से मिल जाएगी।